है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि मैं तालबेट आई हूँ दीदी के पास कुछ दिनों के लिए। और मैं यहाँ पर, मेरा 7 दिन पूरा कंप्लीट हो चुका है और आज फाइनली हम जाने वाले हैं। अभी का टाइम शाम का है, मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ। अभी भी रेडी है, वो अंदर बैठा है और दीदी और मैं बाहर ऐसे बैठे थे। अच्छा नहीं लग रहा था मन को, जाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और गाइस, आप सब लोग देख ही सकते हो कि संध्या यहाँ पर कितने अच्छे से क्लीनिंग कर रही है। और ठीक सामने देखो, बाबू बेबी को लेके चले गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। आज का दिन बाबू बिल्कुल भी बेबी को छोड़ नहीं रहा था, वो गोदी पे ले लेके घूम रहा था। और इधर हमारी संध्या को देखो, पूरा क्लीनिंग कर रही है अच्छे से। संध्या, और गाइज, आज सासू माँ फोन करके बोल रही थी कि रात के 8 बजे से क्या सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो इधर चांद भी निकला हुआ है अभी से। यहाँ पे आके मेरा पूरा 7 दिन कंप्लीट हो चुका है, पता ही नहीं चला 7 दिन किधर चला गया। बातों बातों के चक्कर में हम कभी शाम को ऐसे बाहर निकल के कभी नहीं बैठे, आज पहली बार बैठ रहे हैं। जो पल हम मन ही मन नहीं चाह रहे थे, आखिर वो पल आ ही गया, तभी हम जा रहे हैं। जाते वक्त संध्या का तो रिएक्शन कुछ अलग ही था और बाबू का भी अलग ही था। क्या बताओ, उन लोगों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। हम लोग जा तो रहे हैं लेकिन हमारा ना दोनों का ही बिल्कुल भी मूड नहीं है जाने का। ऐसा लग रहा है हम इधर आ तो रहे लेकिन हमारा सारा मन जो है ना उधर ही छोड़ के आए। बहुत दिनों बाद अभी बाबू के साथ मिला था, संध्या के साथ मिला था, तो मतलब बच्चों को छोड़ के आने का मन उसको भी बिल्कुल नहीं है और मुझे भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। और क्या करें, आना तो पड़ेगा ही। अभी हम स्टेशन पे एंटर कर रहे हैं। जिस दिन हम घर से आ रहे थे तो उस दिन कोई नहीं था स्टेशन पे, लेकिन आज थोड़ा बहुत लोग इधर उधर घूम रहे। देखते हैं मेन स्टेशन प्लेटफॉर्म में जाके क्या होता है, कोई मिलता है कि नहीं। मैंने अभी को पहले ही बोला था कि बेबी को मेरे पास दे दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है और मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था तो थोड़ा बहुत चोट लग सकती है, इसी कारण अभी ने नहीं दिया बेबी को। और हम लोग सीढ़ियों से उतर के प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। अभी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, ट्रेन आ चुका है और हम बैठ बैठ के डिनर कर रहे हैं। ये डिनर दीदी ने पैक करके दिया था, मैंने तो डिनर के लिए मना किया था लेकिन दीदी ने बहुत मेहनत करके बनाया है। यहाँ पर पूरी सब्जी और सलाद दीदी ने हड़बड़ी में तो बनाया लेकिन बहुत ही टेस्टी बनाया है, इसके लिए दीदी को बहुत सारा थैंक्स। और हम अभी उतर चुके हैं आगरा स्टेशन पे और यहाँ पे काफ़ी सारा भीड़ है। ट्रेन के अंदर कुछ सूट नहीं कर पाए क्योंकि बेबी थोड़ा बहुत रो रही थी, तो अभी हम जा रहे हैं। चैनल पे कोई नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट ब्लॉग लेके, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।